तो हम जब भी वर्ल्ड कप पे जाते हैं तो हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ही होते हैं, वो असली थे जितना ही नहीं। जी हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं वो भी यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, सबसे छोटा सवाल करें, चाहे आप फिजिकल दे रहे हैं या आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं, सबसे छोटा सवाल पहले करना है, यही टाइम की स्ट्रेटजी यही है। स्ट्रेटजी इस चीज से चेंज नहीं होगी कि ऑनलाइन वालों के लिए क्या होगा और फिजिकल वालों के लिए क्या होगा। पहला सवाल, पहले दो सवाल शॉर्ट है, तीसरा एनपीवी रखें, चौथा और पांचवा ये अब आपने देखना है। चौथा सवाल वैल्यूएशन रखें, क्योंकि वैल्यूएशन को वो वेटेज ज्यादा देते हैं आई कैप। पांचवा फिर देख लीजिएगा जो हो जाए आपसे, या पांचवे नंबर पे वैल्यूएशन रख लें, वो आपने देखना है। लेकिन दो सवाल ऐसे हैं जिनमें वैल्यूएशन हरगिज नहीं होगा, पहले दो सवाल में बिजनेस वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी ना हो, अनलेस अंटिल के बहुत ही आसान आ गया, हलवाई आ गया। अच्छा, सॉल्यूशन जरा नीट एंड क्लीन हो। आप अगर कहीं पे स्टक हो गए हैं तो आप फिगर एज्यूम कर लें, लेकिन ये पहले पहले याद रखें, एक घंटे में ये टेंडेंसी कम होनी चाहिए, एजम्पशन वाली टेंडेंसी पहले एक घंटे में कम होनी चाहिए। पहले एक घंटे में आंसर परफेक्शन के करीब ज्यादा जाना चाहिए, कभी भी पूरा सवाल करके नहीं काटना। पूरा सवाल करने के बाद में कहते हैं मैं जल्दी से छाप लूं, और जल्दी से छापने में टाइम लगता है। वो जो कंप्यूटर बेस्ड वाले हैं वो तो कॉपी पेस्ट कर सकेंगे, उनको भी टाइम लगेगा उसकी चेंज करने में, रख में। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता, अगर गलती हो गई है पहली लाइन में हो गई है, पकड़ी गई है, नोट लिख दें कि ये एक मिस्टेक है और इसको अगर रेक्टिफाई किया जाए तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा। कभी भी क्रॉस नहीं करना पूरा सोल्यूशन, पहले एक घंटे में तो हरगिज क्रॉस नहीं करना कुछ भी, जेड़ा कर लिया बस, क्रॉसिंग ममनू है। उसके अलावा पहले एक घंटे में बिजनेस वैल्यूएशन अटेम्प्ट नहीं करना, बाकी जो मर्जी करें, जो मर्जी बाकी करें, जो मर्जी करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कर सकते हैं अगर बहुत ही आसान आया हुआ है तो। आगे चलते हैं, कोई इन्फ्लेशन कोई टैक्स नहीं है, सीधा सीधा सवाल है, आगे चलें। अगले दो घंटे में क्या करना है, जो बाकी सवाल बचे 15-15 नंबर के अलावा वाले लंबे लंबे सवाल वो करें। इन सवालों में आप कोशिश करें कि 50% सवाल सही होना चाहिए, और ये सवाल पूरे नहीं होंगे आपके, कभी कोई भी सवाल पूरा पूरा नहीं होगा, अधूरे अधूरे करें, लेकिन सारों को टच करना है। इस फेज में टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है, और इसमें एज्यूम फिगर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना है इस दो घंटों में। जहां स्टक हुए एज्यूम कर लें और लिख दें इट इज एज्यूम दैट, और इधर भी यही है, कभी भी पूरा सवाल का सोल्यूशन ना काटें। और ये बात भी जेन में रखें, ये वैसे दोनों के लिए है, पहला एक घंटा और उसमें, के पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करें वैल्यूएशन के अलावा, बाकी सब चैप्टर में पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करें रकमों के बगैर, फिर सिंपल फिगर्स पुट करें, और आखिर में वर्किंग्स करते जाएं, वर्किंग्स करें और फिर टेबल फिल कर लें। ये तीन काम करने हैं, मेरे तमाम वीडियो लेक्चर में ये ऐसे ही है, पहले सवाल पढ़ा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ता हूँ, मैं पेपर में भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं लिखने में टाइम कम लगाता हूँ, बड़ा गंदा गंदा लिखता हूँ और जल्दी, यहाँ तो मैं बहुत साफ लिखता हूँ आपके सामने, पेपर में मैं बहुत गंदा लिखता हूँ और जल्दी जल्दी लिखता हूँ, मतलब समय पढ़ा जा रहा होता है, लेकिन मैं ये जो बना बना के लिख रहा होता हूँ ये वहाँ पेपर में मैं बनाने वाली केस में नहीं है, ठीक है ना। मसलन मैंने कैश लिखना है, मैं ऐसे लिख दूंगा कैश, ये लो ये कैश हो गया, पता है उसको कैश है, ये तो कैश फ्लोज है, बस पता चल रहा है कैश फ्लोज है, नेट कैश है, तो स्पीड से लिखता हूँ। हाँ, पढ़ते हुए सवाल पढ़ते हुए टाइम ज्यादा है, लिखने में टाइम कम है, नहीं तो कटिंग ज्यादा होगी। ये टेक्निक है जी जो आपने फॉलो करनी है, मैंने बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम सब बता दिए आपको। आते हैं जी हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लोकल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हाँ जी बच्चे, लोकल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लोकल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब है कि कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन होम कंट्री, अपने ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। अगर कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो आपका होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है, लिखना नहीं है इसको, ये मिल जाएगा आपको। इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है,
और डिसीजन मेकिंग के दो तरह के टूल्स हैं, दो तरह के मेथड्स हैं, प्रॉफिट बेस्ड और कैश फ्लोज बेस्ड। कैश बेस्ड अकाउंटिंग, प्रॉफिट बेस्ड और कैश बेस्ड। तो बेटा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट वाला मेथड है वो सिर्फ एक ही है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रॉस। यानी एक मेथड है जो प्रॉफिट की बेस पर फैसला साजी के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम मेथड्स कैश फ्लोस को यूज करते हैं, बाकी तमाम मेथड कैश फ्लोस को यूज करते हैं बेटा। और इसके लिए आपको कैश फ्लो मेथड के लिए नेट कैश निकालना पड़ता है। अगर आपको नेट कैश फ्लो निकालने आ गए अपने इन्वेस्टमेंट के, हर साल के नेट कैश फ्लोज अगर आपको निकालने आ गए, तो फिर आपके लिए कोई भी मेथड प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? नेट कैश फ्लोज की बेस पर एनपीवी आएगी, उसी की बेस पर आईआरआर आएगी, उसी की बेस पर मॉडिफाइड आईआरआर है। यानी नेट कैश फ्लोज ऑफ ईच ईयर होना जरूरी है, उसी की बेस पर आपका पे बैक पीरियड निकलेगा, सिंपल पे बैक पीरियड। उसी की बेस पर आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकलेगा। और उसी की बेस पर आपका बेल आउट पे बैक पीरियड निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर, सिंपल पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक और बेल आउट पे बैक, ये वो तमाम मेथड हैं जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ आ गई? और इन तमाम मेथड के लिए नेट कैश फ्लोस का होना जरूरी है। इसके लिए आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का होना जरूरी है, पीबीआईटी, प्रोजेक्ट के पीबीआईटी, और नीचे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोजेक्ट का एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए प्रोजेक्ट का, और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड हो। ये आपको पता है, ये सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीजें। क्या कहते हैं? इसके लिए नेट कैश फ्लोस का होना जरूरी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अब जो असल में प्रॉब्लम आती है वो आप सबको प्रॉब्लम आती है कैश फ्लोस में जी, ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आज तक कभी नहीं आया। आ सकता है लेकिन आया नहीं। मैं इन पे बात इस पे बात नहीं करूंगा, मैं अब बात करूंगा नेट कैश फ्लोस पे। हाँ जी, नेट कैश फ्लोस में आप जो गलतियां करते हैं, मैं आता हूँ जरा। नेट कैश फ्लोज निकालने के लिए इस्तेमाल क्या क्या होता है जी? ये नेट कैश फ्लोज निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्टिंग क्लियर होनी चाहिए जी जनाब। आपको इन्फ्लेशन क्लियर होना चाहिए, आपको टैक्सेशन क्लियर होना चाहिए, और आपको चौथी चीज वो क्लियर होना चाहिए, क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये चार एडजस्टमेंट्स हैं। अगर किसी बच्चे को ये चार एडजस्टमेंट्स आती हैं तो वो कामयाब है, अगर किसी बच्चे को ये चार एडजस्टमेंट्स नहीं आती तो वो प्रॉब्लम में है। तो अब मैं एग्जाम ट्रिक्स या चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में आपको याद रखिएगा कि आपको रेलेवेंट कॉस्ट का रूल आना चाहिए जो आपने डिसीजन मेकिंग में पढ़ा है। मटीरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट और ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट। हमें पता है कि मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, अगर मटेरियल स्टॉक में ना हो तो उसकी करंट परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होती है। मैं कुछ बेसिक्स रिवाइज जानबूझ के करूंगा क्योंकि हमारा काम ही बेसिक्स को कवर करना है जी। हाँ जी, अगर हमारे पास स्टॉक में मटेरियल ना हो तो परचेज कॉस्ट, अगर हमारे पास मटेरियल स्टॉक में हो और उसका रेगुलर यूज हो तब भी हम परचेज कॉस्ट लेते हैं। अगर हमारे मटेरियल का स्टॉक में है लेकिन रेगुलर यूज नहीं है तो फिर हम उस मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते हैं कि अगर उसको ओपन मार्केट में सेल करते हैं तो कितने का बिकना था, उसको इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। जितनी क्वांटिटी स्टॉक में है अगर उसका रेगुलर यूज नहीं है तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। इसी तरह लेबर में, अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और हम उसको, स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है उनके पास फ्री टाइम है
और हम उनको पूरे पैसे देते हैं, पूरा पूरा रेट देते हैं फारिक टाइम में, तो वहां हम वर्कर को प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कुछ साल तक पैसे नहीं देंगे, फ्री टाइम जो यूटिलाइज करेंगे। अगर वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और हम उसको पार्शियल रेट पे करते हैं, 70% 60% पे करते हैं, तो अगर फारिक टाइम में हम उसको 70% पे करते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की वजह से जो रिमेनिंग पे करेंगे वो रेलेवेंट होगा। अगर हम फारिक टाइम में उसको 70% देते हैं तो वो कमिटेड है, वो रेलेवेंट नहीं है, रिमेनिंग 30% रेलेवेंट है। अगर वर्कर के पास फारिक टाइम नहीं है तो फिर हमने कहा था वहां तीन चीजों में से कोई एक ऑप्शन पर हम जाएंगे, और वो तीनों क्योंकि कॉस्ट होंगी तो तीनों में से जहां कॉस्ट कम है वो सिलेक्ट करेंगे, या हम मार्केट से हायरिंग करेंगे नए वर्कर की, तो यहां पर हायरिंग रेट रेलेवेंट होगा मार्केट का, जिस रेट पे आप वर्कर को हायर करेंगे। अगर आप हायरिंग नहीं कर रहे तो पुराने वर्कर से ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, तो ओवर टाइम में बेसिक पे, ओवर टाइम में ओवर टाइम की कॉस्ट रेलेवेंट होगी, जिसके दो हिस्से होते हैं, बेसिक पे और प्रीमियम। ये लिखने पे टाइम जाया ना कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, आप बस सुनते जाएं और अपने दिमाग में रिवाइज करते जाएं। अगर आप यहाँ बैठे हैं और खामोश बैठे हैं और आप रिवाइज नहीं कर रहे तो मैं समझता हूँ आप गलती कर रहे हैं, ये आपके लिए ही बता रहा हूँ। अपने मुंह में, अपने दिमाग में रिवाइज करें कि ये सर अगली बात ये करेंगे। अगर वर्कर आपके पास मौजूद है तो आप उनको किसी और काम से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करने के लिए किसी और काम से डाइवर्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करने के केस में डाइवर्जन कॉस्ट रेलेवेंट होती है, डाइवर्जन कॉस्ट होती है बेसिक पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर, और जो काम जिससे हटाया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन, ये दोनों रेलेवेंट कॉस्ट होंगी। तो ये मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट पता हो, लेबर की पता हो, ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट में लोग गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती लोग करते हैं ओवरहेड्स में सबसे ज्यादा, हालांकि ये सबसे आसान है। क्या गलती करते हैं? उनको ये बात समझ नहीं आती कि ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स अलहदा लेने हैं और फिक्स्ड ओवरहेड अलहदा लेने हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जिस मर्जी शक्ल में हो ये हमेशा रेलेवेंट होंगे जी। फिक्स्ड ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक बिजनेस के एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के होते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज के होते हैं, और एक वो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं जो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट की वजह से होते हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इसको एट्रीब्यूटेबल भी कहते हैं। अब बच्चे अल्फाज का मिस यूज करते हैं तो वो एट्रीब्यूटेबल को इरेलीवेंट कहना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे गोंगलू पाए जाते हैं। तो एट्रीब्यूटेबल या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट अगर उसने कहा हो तो ये सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, ये वो अप्रोच हैं जो स्पेशली प्रोजेक्ट की वजह से हो रहे हैं, और बिजनेस के जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड अप्रोच होते हैं उसको जर्नल फिक्स्ड अप्रोच कहते हैं, एलोकेटेड फिक्स्ड अप्रोच कहते हैं, अपोर्शन फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ये नाम ही नहीं आते लोगों को पूरे, अपोर्शनमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट, तो ये बेटा रेलेवेंट नहीं होते, इनका नोट दे के छोड़ देना है। तो यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात हमने मुकम्मल कर ली। अब आते हैं इन्फ्लेशन की तरफ जी। इन्फ्लेशन में आपने दो चीजों को इन्फ्लेट करना है जी, इन्फ्लेशन पे आते हैं। इन्फ्लेशन में आपने दो चीजों को इन्फ्लेट करना है, कैश फ्लोस को और आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, वैक को जी। जनाब कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लेट करना है। अगर एग्जामिनर साइलेंट हो जी, ये मुझे जवाब दें जनाब, अगर एग्जामिनर साइलेंट हो तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेटेड है कि नॉन इन्फ्लेटेड है? अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है, एग्जामिनर साइलेंट है, तो वो इन्फ्लेटेड है कि नॉन इन्फ्लेटेड है?
जी जवाब आना शुरू हो गए हैं, दो जवाब आए हैं सिर्फ अभी तक, सारे जवाब जो आए हैं वो ठीक हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब है रूल पता है, अगर किसी को ये रूल नहीं पता तो वो गलत है जी। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर साइलेंट हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेटेड है, उसको नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। हाँ रियल में कन्वर्ट करना एक खास चीज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिफॉल्ट नॉमिनल होती है, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना एक खास काम है। तो अगर आपको ये कह दिया हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, या आईकैप एक फिक्रा लिखता है, अगर ये कहा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो नॉमिनल होती है, तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रियल में अभी कन्वर्ट नहीं किया गया, आपने उसको रियल में कन्वर्ट करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा बाय डिफॉल्ट नॉमिनल है, अगर ये फिक्रा लिखा हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉमिनल होती है, उसको रियल में कन्वर्ट नहीं किया। कई बच्चे कहते हैं ये तो रियल से नॉमिनल में जानी है, नहीं, ये फिक्रे का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेटेड है, उसको इन्फ्लेशन में एडजस्ट करने का मतलब है उसको नॉन इन्फ्लेटेड में कन्वर्ट करना है, तो नॉन इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे निकालनी पड़ेगी जब ये फिक्र आ जाए। ये आया हुआ है पास पेपर में एक दो जगह पे, बच्चे ये इसका मतलब गलत समझते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आम हालात में होती है नॉमिनल, तो नॉमिनल में तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करने की एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन कहलाएगी। ये बात जेहन में रखिएगा, ये फिक्र अगर आ जाए तो ये ट्रिक एग्जामिनर खेलता है आपके साथ। अच्छा आम हालात में ये साइलेंट है, आम हालात में ये साइलेंट है, और आम हालात में ये होती इन्फ्लेटेड है, अगर आपको वो खुद कह दे कि ये रियल है, अगर वो खुद कह दे, खुद लिखे तो लिखना है अपनी तरफ से, नहीं अज्यूम करना, रियल कह दे तो रियल को नॉमिनल वैक में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्मूला आप लोगों ने फिशर इक्वेशन पढ़ी होगी, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इनटू 1 प्लस जर्नल इन्फ्लेशन रेट। ले ली, इसमें तो किस्म का कोई टेंशन नहीं है, आई कैप में 99% केसेस में यही होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से इन्फ्लेटेड दी होती है, इन्फ्लेटेड को ही नॉमिनल भी कहते हैं जी, और नॉन इन्फ्लेटेड को रियल कहते हैं। अच्छा जी मसला कैश फ्लोज का है, अगर आपको कैश फ्लोज इन्फ्लेट करने हैं तो कहाँ से इन्फ्लेट करने हैं, ये मसला है, किस साल से इन्फ्लेट होने हैं। हमेशा याद रखे कैश फ्लोज या ईयर वन से इन्फ्लेट होंगे या ईयर टू ऑनवर्ड होंगे, जीरो से कभी इन्फ्लेट नहीं हो सकते, कैश फ्लोज हमेशा ईयर वन से होंगे या ईयर टू से होंगे, किन हालात में ईयर वन से होंगे, वो क्या फिक्रा लिखा होगा कि ईयर वन से इन्फ्लेट होंगे। बेटा अगर उसने ये फिक्रा लिखा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर मसलन वो कह दे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17% बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिफॉल्ट नॉमिनल होती है, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है इसको नॉमिनल से रियल में कन्वर्ट करना था, और एग्जामिनर ने अभी तक नॉमिनल से रियल में कन्वर्ट नहीं किया, नॉमिनल से रियल में कन्वर्ट करने की एडजस्टमेंट नहीं की, ये मतलब है इसका, नॉमिनल से रियल में कन्वर्ट करने की एडजस्टमेंट नहीं की, ये मतलब है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ये नहीं है कि इसमें इन्फ्लेशन शामिल करना है, नॉमिनल में पहले से शामिल होता है। अच्छा जी यहाँ पे कुछ लोगों ने जवाब गलत भेजे हैं, देखा बेसिक का मसला आ गया, ईयर वन से तब इन्फ्लेट करते हैं जब उसने कैश फ्लो के साथ करंट प्राइसेस लिखा हो, करंट प्राइसेस का लफ्ज लिखा हो या कैश फ्लोस प्रेजेंट टेंस में दिए हो, इज आर एम टाइम नहीं लिखा हुआ लेकिन इज आर एम में दिए हो, और ईयर टू से कब इन्फ्लेट करेंगे जब उसने खुद लिखा हो, जब उसने ये लिखा हो मसलन सेल प्राइस इन ईयर वन,
या सेल प्राइस या जो भी कैश फ्लो है, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इनके साथ सबके साथ या जिसके साथ ईयर वन लिखा होगा, इसका मतलब है वो ईयर वन के लिए इन्फ्लेटेड है, टू से इन्फ्लेट करना है जी, या फ्यूचर टेंस दिया हो, विल बी वुड बी, मसलन वो कह दे सेल प्राइस वुड बी 20 रुपीज, अब आप परेशान होंगे यार ये क्या है, और अगर साइलेंट हो तो कुछ ना समझ आ रहा हो तो तुक्का लगा लें ये भी इन्फ्लेटेड है, साइलेंट हो तो ये भी समझ लें इन्फ्लेटेड है, क्योंकि आई कैप कई सवालों में ये डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, टेंस भी नहीं क्लियर किया हुआ, ना प्रेजेंट टेंस है ना फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस लिखा हो तो कंफर्म हो गया, अगर वहां पर सेलिंग प्राइस के साथ लिखा हो सेलिंग प्राइस वुड बी 20 रुपीज, इसका मतलब है ये ईयर वन के लिए दी हुई है, आपने ईयर टू से इन्फ्लेट करनी है, ईयर वन पे दी हुई है ईयर टू से इन्फ्लेट करनी है बच्चे, और इन्फ्लेट करने के लिए मैं ये इस्तेमाल करूंगा कैश फ्लो जो भी होगा इनटू वन प्लस इन्फ्लेशन रेट रेस फॉर एन जी, यहां पे एन वंस होगा फ्रॉम ईयर वन, और यहां पर एन जो होगा वो वन होगा फ्रॉम ईयर टू, ईयर टू से इन्फ्लेट होना शुरू होना है ना, तो रेस फॉर एन वन लेना है ईयर टू से, ये आपको सारा कुछ बताया था उसको मैंने रिवाइज कर दिया है, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, अगर आपने साइलेंट हो तो आपने एजम्पशन दे देनी है कि मुझे कोई क्लियर नहीं हो रहा तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये ईयर वन के लिए इन्फ्लेटेड है, अच्छा जी, इन्फ्लेशन के बाद टैक्सेशन है और वर्किंग कैपिटल है, तो मैं अब इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के लिए मैं एनपीवी का या नेट कैश फ्लोस का फॉर्मेट बनाता हूँ, यहाँ मैंने ट्रिक्स बताने हैं दो चार, मैं जानबूझ के टैक्सेशन को छोड़ रहा हूँ जी, नेट कैश फ्लोस अगर आपने निकालने हो हर साल के तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लाइफ पढ़ेंगे जी, अगर तो कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहे हैं तो रुपीज इन मिलियन लेनी है, अगर कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहे हैं, और अगर मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो रुपीज इन थाउजेंड जी, क्वेश्चन को रुपीज इन थाउजेंड, अगर रुपीज इन मिलियन भी कर लेते हैं तो वो पॉइंट्स में लिखना है दो डेसिमल तक, कर सकते हैं आप, रुपीज इन मिलियन करना है तो पॉइंट के बाद दो डेसिमल लिखना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी, अब ये कैश फ्लोज में सबसे पहले आते हैं एनुअल, एनुअल सेल, और ये एक्रूअल बेसिस पे हम निकालते हैं सेल, कैश बेसिस पे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पे होता है, एनुअल सेल। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये एक्रूअल बेसिस पे निकाली सेल प्राइस इनटू यूनिट से जी जनाब, अच्छा जी, लेस वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है, अगर मैं लिखूं नाम वैसे ही तो एनुअल मटेरियल कॉस्ट, इस पे रेलेवेंट कॉस्टिंग लगेगी, रेलेवेंट कॉस्टिंग, हाँ जी, लेबर कॉस्ट जी, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली वेरिएबल होती है, एनुअल कमीशन जो सेल्समैन को देते हैं, ये परसेंटेज ऑफ सेल पे दी होती है जी, एनुअल रॉयल्टी अगर किसी का राइड यूज कर रहे हैं, कोई डिजाइन यूज कर रहे हैं, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है, ये सब आप लेस करेंगे, जो ट्रिक बताना है वो मैं बताता हूँ, बस आप ये सारा कुछ लेस करेंगे ठीक है, ये सब आप लेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लेस करेंगे एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट या इंक्रीमेंटल एनुअल फिक्स कॉस्ट जी, उसमें क्या क्या आता है, फिक्स्ड एफओएच, फिक्स सेलिंग, एडमिन कॉस्ट नॉर्मली फिक्स होती है, रेंट, कोई भी रेंट एक्सपेंस दे, हाँ जी, रेंट में एक प्रॉब्लम होती है जी, रेंट एक्सपेंस में एक प्रॉब्लम होती है, सबको पता होगा, या रेंट इन एडवांस होता है, आगे चले आगे, हम अपना टाइम बचाएं,
जी बेटा, रेंट एक्सपेंस दो तरह से होता है, रेंट एक्सपेंस इन एडवांस भी होता है और रेंट एक्सपेंस इन एरियर भी होता है। इन एरियर का मतलब होता है एंड ऑफ ईच ईयर पे। आप सबको पता होगा कि अगर रेंट एक्सपेंस इन एडवांस हो तो क्या करना है, अगर इन एडवांस हो तो क्या करेंगे, और अगर इन एरियर है तो क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बताओ। रेंट इन एडवांस हो, और इसी तरह इंश्योरेंस के साथ भी हो सकता है। इंश्योरेंस के साथ कुछ ना लिखा हो तो एंड ऑफ ईच ईयर पे है, रेंट के साथ कुछ ना लिखा हो तो वो इन एडवांस एज्यूम करते हैं। जी, इन एडवांस एज्यूम करते हैं। अगर रेंट इन एडवांस होगा तो क्या करेंगे, तो अगर तो उसने कह दिया है इन एडवांस, तो 4 साल का रेंट है तो 0 में 1 में 2 में और 3 में आएगा, 4 में नहीं आएगा। और अगर इन एरियर है फिर 0 पे नहीं आएगा, फिर 1 में 2 में 3 में और 4 में। और ये जो 0 पे कैश फ्लो आता है इस पर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं लेते, हम एज्यूम करते हैं 0 वाली डेट टैक्स ईयर का फर्स्ट डे है, इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन 1 पे ही होनी है, इसकी 1 पे, उसकी 2 पे, यानी टैक्स इम्प्लीकेशन अपने रेलिवेंट ईयर में ही होनी है। यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन जब टैक्स निकालने लगेंगे तो ये इन एडवांस वाले को टैक्स वाले नहीं मानते, पीछे ले जाना, इसको अपने रेलेवेंट ईयर में काउंट करके टैक्स निकालेंगे। हाँ जी, ये वहाँ पॉइंट था कि ये जो इन एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं इनको एनपीवी के टेबल में तो लिख दें, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए आप इन्हें 0 में काउंट नहीं करेंगे। टैक्स पर्पस के लिए जब मैं टैक्स की वर्किंग करूंगा या टैक्स निकालूंगा तो हर फिगर को अपने रेलेवेंट ईयर में काउंट करके टैक्स निकालना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैश फ्लोज में ये काउंट कर ले, आगे पीछे कर सकते हैं। जी, ये एनुअल फिक्स कॉस्ट के बाद यहाँ आएगी एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वो आएगी। एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या हो सकता है, अगर आप अपने प्रेमिसेस को यूज कर रहे हैं तो रेंटल इनकम फॉरगॉन, किसी और प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन। जी, एनुअल रेंटल इनकम फॉरगॉन, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन, एनुअल, ये नॉर्मली अपने अपने हर साल के एंड पे आते हैं, किसी चीज के बारे में ना कहा जाए तो वो एंड ऑफ ईयर पे आएगी। ले जी, यहां तक आ जाएंगे एनुअल कैश फ्लोस बिफोर डेप्रिसिएशन, एनुअल कैश फ्लोस बिफोर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, अच्छा एक बात जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ काम की, सुन ले गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा इन तमाम चीजों का इन्फ्लेशन रेट सेम हो, तमाम चीजों का इन्फ्लेशन रेट सेम हो, एक इन्फ्लेशन रेट हो इन तमाम चीजों का, तो आपने ऊपर से इन्फ्लेट नहीं करना, यहाँ आके कैश फ्लोस को एक ही दफा इन्फ्लेट कर देना है, यानी इसको अंडरलाइन कर देना है और इसकी इन्फ्लेटेड फिगर फिर यहाँ पे लिखनी है। अगर ऊपर सेम इन्फ्लेशन रेट हुआ तो बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले पहले वाले कैश फ्लोज फिर इन्फ्लेट कर देने हैं आपने, यहाँ फिर आपने इन्फ्लेट करके लिखने हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अकबर साहब शॉर्टकट पूछ रहे थे आप, अगर बेटा ये तमाम चीजों का इन्फ्लेशन रेट सेम हो तो ऊपर इन्फ्लेट करने की बजाय यहाँ आकर इन्फ्लेट करें डेप्रिसिएशन लेस करने से पहले। हाँ जी, अगर आपका सेम इन्फ्लेशन रेट हो तो सवाल को रियल मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड व्हेन टैक्स इज गिवन, क्योंकि टैक्स का रेट पहले से इन्फ्लेटेड होता है। अगर सवाल में टैक्स रेट ना रियल पे सॉल्व करना है, टैक्स अगर हो सवाल में तो फिर इन्फ्लेटेड फॉर्म पे हल करना अकलमंदी होती है, बल्कि रिकमेंडेड ही यही है कि इन्फ्लेटेड पे करें अगर टैक्स हो तो। याद रखे गाइडेंस क्या है, गाइडेंस ये है, और मस्ट नहीं है, गाइडेंस ये है कि अगर मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट सवाल में आ जाए तो ऑलवेज इन्फ्लेटेड, अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट आ जाए और टैक्स ना हो या टैक्स हो तो फिर भी इन्फ्लेटेड, और सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो लेकिन टैक्स ना हो फिर इसको रियल मेथड प्रेफरेबल है। नॉमिनल से भी कर सकते हैं, नंबर कोई नहीं कटेंगे, लेकिन रियल मेथड से टाइम सेव होगा। अच्छा, अब कई सवाल ऐसे होंगे
जिनमें रियल से भी कर देगा तो नंबर कोई नहीं कटेगा, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है, प्रेफरेबल यही है अगर टैक्स आ जाए तो। गलत नहीं होगा अगर आपने रियल से कर दिया तो, उसको गलती नहीं कहते। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अगर अगर इन्फ्लेट डिफरेंट है, फिर आप शुरू से इन्फ्लेट करके आएंगे, अगर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो, जो कि ज्यादातर डिफरेंट दिए होते हैं, अगर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो तो फिर आप ऊपर से इन्फ्लेट करके आएंगे, ऊपर से ही। अच्छा उसके बाद यहां आकर आपने एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी है, और वो हर साल लेस करनी है। साइलेंट हो तो ईयर वन से ही करनी है, जीरो से नहीं करनी जब तक कि वो खुद ना कहे। हर साल टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी है, हालांकि हमें पता है कि आखिरी साल में टैक्स में डेप्रिसिएशन नहीं होती, लेकिन आप कर दें, वो एज्यूम करता है कि अकाउंटिंग आपको आती है, आपको टैक्स नहीं आता। आपने हर साल डेप्रिसिएशन लेस करनी है, उसके बाद फिर आपने एसेट का गेन लॉस निकालना है आखिरी साल में। अगर आप आखिरी साल में डेप्रिसिएशन लिखने के बाद गेन लॉस निकालते हैं, ना लिखें तब भी जवाब सेम आता है, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन लिखनी है। जी फरासत साहब पूछते हैं, जीरो में डेप्रिसिएशन किस केस में आएगी? जब वो कहेगा, जब वो खुद कह दे कि डेप्रिसिएशन ले जीरो पे, इमीडिएटली टैक्स डेप्रिसिएशन ले, कह दे तो, खुद कह दे तब, और नहीं। या ऐसा हो सकता है कि वो ये कह दे कि आज अकाउंटिंग पीरियड का फर्स्ट डे नहीं है, लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर है, तब भी आप जीरो में टैक्स डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, अगर आज अकाउंटिंग पीरियड का या ईयर एंड का, ईयर एंड हो तो, आज की डेट ईयर एंड हो तो टैक्स डेप्रिसिएशन आज ले सकते हैं। फिर ये एरियर वाली भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, फिर ये एरियर वाली चीज़ भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन आम हालात में सारे सवालों में अजम्पशन है जीरो इज द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। ले जी, ये डेप्रिसिएशन जब आप लेस करेंगे तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इसमें से टैक्स पेमेंट लेस करनी है, और अगर लॉस हो, किसी साल लॉस हो तो टैक्स सेविंग निकाल देनी है, जिस साल लॉस होगा उस साल सेविंग निकाल देनी है, बाकी सालों में टैक्स पेमेंट। जब तक इनिशियल अलाउंस ना कहे आपने नहीं लेना, इनिशियल अलाउंस का रेट बताएगा तब लेना है, अदरवाइज सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेनी है। जी इनिशियल अलाउंस कहे तो लेते हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी कहे वो हमेशा लेनी है। ये वर्किंग वन होगी हमारी सवाल में। हाँ जी, आपने टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स पेमेंट या सेविंग निकाल दें, और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दें, और ये जो गेन लॉस होगा इसको भी रिवर्स कर लें। ये जो टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल है आखिरी साल में, गेन लेस कर दें, लॉस ऐड बैक कर दें, तो ये आ जाएंगे आपके पास एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज आ जाएंगे। अगर ऊपर ये रेंट इन एडवांस हो तो वो भी आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट एडजस्ट करनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, नया एसेट है या पुराना है, कोई भी नए एसेट्स हैं, तमाम नए एसेट्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर जीरो पे आ जाएंगे, और आखिरी साल में उसकी स्क्रैप वैल्यू आएगी, और नेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएंगी, या वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लोग गलती करते हैं, 99% लोगों का ये गलत होता है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आई कैप भी गलती करता है, आपकी क्या बात है, आई कैप भी गलती करता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल आपने ध्यान से निकालना है, उसको देख लें। नेट वर्किंग कैपिटल दो तरह से आ सकता है, या बल्कि टोटल चार तरीके हैं, मैक्सिमम चार तरीकों से आ सकता है मैक्सिमम। जी पहला, अमाउंट खुद बता दे कि इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, परसेंटेज में दे दे। हाँ जी, अगर इन्फ्लेशन ना हो तो कैसे करेंगे, अमाउंट दी है और इन्फ्लेशन आ जाए तो कैसे करेंगे, जब इन्फ्लेशन आता है तो वर्किंग कैपिटल को भी इन्फ्लेट करना होता है। जी इसी तरह अगर ये सेल पर बेस कर रहा है, 10% ऑफ सेल, सेल अगर इन्फ्लेट ना हो
और अगर सेल में इन्फ्लेशन हो देन, तो ये टोटल चार केसेस बनते हैं मैक्सिमम, चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आई कैप में जो पॉसिबिलिटी आती है सबसे ज्यादा, ये पॉसिबिलिटी आती है, अमाउंट दी होती है और इन्फ्लेशन नहीं होता, या ये आएगी, ये अब आना शुरू हुई है। अच्छा मैं बता रहा था वर्किंग कैपिटल बेटा चार तरह से आ सकता है, अगर इन्फ्लेशन ना हो तो वर्किंग कैपिटल पहले हर साल सेम रहेगा, मसलन 1 लाख है, ये स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे आता है, ये बात अजम्पशन है याद रखिएगा। वर्किंग कैपिटल की दो अजम्पशन है, कि वो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे आता है और आखिरी साल में हमेशा जीरो आना है, ये वर्किंग कैपिटल है, ये नहीं लिखना, इसकी चेंजेस लिखनी होती है। तो पहली दफा 100 की चेंज है, अगली दफा नो चेंज, फिर कोई चेंज नहीं, और डिक्रीज हमेशा इनफ्लो ट्रीट होगी। तो आई कैप के सवाल में आपको ये वर्किंग नजर नहीं आती, सिर्फ टेबल में ये लिखा होता है जीरो पे आउटफ्लो, आखिरी साल में इनफ्लो, उसके पीछे ये वर्किंग होती है। अगर वो कह दे वर्किंग कैपिटल 1 लाख है लेकिन 10% इन्फ्लेशन दे दे, जी जनाब, अगर वो वर्किंग कैपिटल 1 लाख दे दे लेकिन 10% इन्फ्लेशन भी दे दे साथ, जी, तो वो जीरो से इन्फ्लेट ही होना, 1 से होगा, तो 1 लाख आएगा जीरो पे, इधर आएगा 1,10,000, 1,21,000, 1,33,100, 10% से अगर इन्फ्लेट हो तो आपने इसको इन्फ्लेट करना है। जीरो से कभी कोई रकम इन्फ्लेट नहीं होती, हमेशा होगी तो 1 से या 2 से। तो वर्किंग कैपिटल अगर उसने ईयर 1 का दे दिया और फिर ईयर 2 से इन्फ्लेट होगा, ये वर्किंग कैपिटल है। हमें वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, उसकी चेंजेस चाहिए, आउटफ्लो, हाँ जी, 1,10,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 10,000, 11,000, मेरा ख्याल है 11 ही आता है, जी 12,100, और 1,33,100, ले जी, ये वर्किंग कैपिटल का ये रकम आएगी एनपीवी के टेबल में। ये दो केस हो गए जिसमें उसने अमाउंट पहले ही बताई हुई है, वहां फिक्रा लिखा होगा 1 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये फिक्रा लिखा होगा इन वर्किंग कैपिटल अमाउंटिंग टू 1 लाख एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये लिखा होता है। तो जब भी ये फिक्रा लिखा होगा, अगर इन्फ्लेशन ना हो तो ऐसे है, अगर इन्फ्लेशन हो तो ऐसे है, जी जनाब, ठीक है कि नहीं। अच्छा आगे चलते हैं जी। अगर आपको सेल पे कहा हुआ है, सेल का 10% है और सेल पे इन्फ्लेशन नहीं है, तो आपने पहले यहाँ सेल लिखनी है हर साल के एंड पे, सेल हर साल के एंड पे आएगी, एक फॉर एग्जांपल 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख और 25 लाख, लेकिन वर्किंग कैपिटल हर साल के आगाज में आएगा अगर 10% ऑफ सेल है तो। सेल पे इन्फ्लेशन नहीं है, ये वॉल्यूम ज्यादा बिखरा होगा तभी अमाउंट चेंज हो रही है, तो सेल का 10% करेंगे तो वो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा,